ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, चैनल पर मुझे मैक्सिमम आप सभी लोगों के यही कमेंट आते हैं कि जॉन सीना पर कोई वीडियो बनाओ, या फिर कुछ लोग बोलते हैं रोमन रिंग्स पर कोई वीडियो बनाओ। तो गाइस, आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज इस एपिसोड में मैंने इन दोनों ही रेसलर्स के बारे में बात करी है, इनके रिकॉर्ड्स, इनके अचीवमेंट, और कंपेयर करने की कोशिश करी है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। तो अगर आप इन रेसलर्स में से किसी के फैन हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। अगर आप रोमन रिंग्स या जॉन सीना के फैन हैं, उनकी टी शर्ट्स और बैकपैक बाय करना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से सिंपली उन्हें बाय कर सकते हैं। तो गाइज, अगर सबसे पहले हम बात करें जॉन सीना की, तो जॉन सीना की हाइट है 6 feet and 1 inch। इसके अलावा उनका वेट है 114 kilos। और अगर हम बात करें उनके अचीवमेंट्स की, तो वो है 16-time WWE वर्ल्ड चैंपियन। इसके अलावा वो 5-time यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं। टैग टीम चैंपियनशिप की बात करें तो उन्होंने 4 बार जीती है। इसके अलावा वो 2012 में मनी इन द बैंक मैच के विनर भी रहे हैं। 2008 और 2013 में वो रॉयल रंबल मैच भी जीते और 3 time वो सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ले चुके हैं। और 2009 और 2010 और 2012 के वो स्लैमी अवार्ड विनर भी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जॉन सीना के रेसलमेनिया में मेन इवेंट की अपीयरेंस की, तो जॉन सीना रेसलमेनिया 22, 23, 27, 28 and 29 के रेसलमेनिया के मेन इवेंट में भी अपनी अपीयरेंस दिखा चुके हैं, जो किसी भी एक सुपरस्टार का सपना होता है और उनके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होती है। तो गाइज, ये थी कुछ जॉन सीना के हाइलाइटेड अचीवमेंट की लिस्ट। तो इतने सारे अचीवमेंट है जॉन सीना के, किसी भी सुपरस्टार के लिए वहाँ तक पहुँचना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अगर अब हम बात करें रोमन रिंग्स की, तो रोमन रिंग्स की हाइट है 6 feet and 3 inches। उनके वेट की बात करें तो वो 120 किलोस के हैं। अगर हम उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो वो 3-time WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो 1-time यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं और टैग टीम चैंपियनशिप भी वो जीते थे, जहां पर उनके टैग टीम पार्टनर थे सेथ रॉलिंस। और 2015 के वो रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं। इसके अलावा उनके पास एक रिकॉर्ड है 2014 के सुपरस्टार ऑफ द ईयर का। अगर हम उनके रेसलमेनिया में कुछ अचीवमेंट्स की बात करें, तो रेसलमेनिया 31 and 32 and 33 में वो वहाँ पर रेसलमेनिया को हेडलाइन कर चुके हैं, यानी रेसलमेनिया के मेन इवेंट का हिस्सा थे। तो बहुत ही कम सालों में रोमन रिंग्स को वो सारी अचीवमेंट मिल चुकी है जो शायद कोई और सुपरस्टार को अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा उनके पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ पाना शायद अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने रॉयल रंबल 2014 में 12 सुपरस्टार को एलिमिनेट किया था, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले रिकॉर्ड केन के नाम था, जहां पर उन्होंने 11 सुपरस्टार को एक रॉयल रंबल मैच में एलिमिनेट किया था। तो अगर हम दोनों ही सुपरस्टार के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करें, तो ऑब्वियसली बात है जॉन सीना के पास रोमन रिंग्स से काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड है, और शायद उस रिकॉर्ड्स के आसपास भी कोई रेसलर ना पहुंच पाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रोमन रिंग्स को देखें, तो उन्होंने अपने अर्ली WWE करियर में ही वो सारी अचीवमेंट हासिल कर ली है सिर्फ 5 साल में ही, जो अभी तक किसी भी रेसलर ने हासिल नहीं करी थी। तो दोनों ही रेसलर अपने आप में काफ़ी बेहतर है, इनके ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो इन्हें दूसरे रेसलर से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये दोनों ही रेसलर अच्छे लगते हैं और आपको वीडियो भी अच्छी लगी, तो यार लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं हम 500 लाइक्स का, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ही दोगे। इसके अलावा आप कमेंट भी बताना कि आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको ऐसी WWE की हिंदी अपडेट्स मिलती रहें। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।